ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत। क्या होगी टाइगर 3 की टैगलाइन? कहां फिर से आमने सामने होने वाले हैं ऐश्वर्या और सलमान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3, जो एक एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल टाइटल सामने नहीं आया है। सब लोग बस इसे टाइगर 3 कहकर बुला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो सकती है फिल्म की टैगलाइन, और ये भी बताऊंगा कि आखिर कहां पर टकरा सकते हैं ऐश्वर्या राय और सलमान खान। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि टैगलाइन क्या होती है। टैगलाइन मीन जो मूवी का मीनिंग कंप्लीट करती है। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इसमें फिल्म का टाइटल सिर्फ उरी है। द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी की टैगलाइन है, जिससे ऑडियंस को हेल्प मिलती है कि ये समझाने में कि मूवी स्टोरी क्या होने वाली है। अगर मैं टाइगर फ्रेंचाइजी की बात करूं तो टाइगर फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट, जिसका टाइटल था एक था टाइगर, जो पूरी तरीके से फिल्म की स्टोरी पर बेस्ड था, क्योंकि फिल्म के एंड में रॉ एजेंसी और ISI दोनों टाइगर और जोया को ढूंढ रहे होते हैं। फिर आता है इसका सेकेंड पार्ट, जिसका टाइटल होता है टाइगर जिंदा है, और इसी से ऑडियंस को पता चल जाता है कि टाइगर मिल जाएगा रॉ एजेंसी को। वैसे ही अब टाइगर 3 का ऑफिशियल टाइटल हो सकता है टाइगर इज रेडी फॉर रॉर। अब ये टाइटल क्यों दिया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। इस बार टाइगर की दहाड़ पहली दोनों मूवीज से ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ एक्शन। जैसे ही हम सबको पता है टाइगर 3 की शूटिंग 7 अलग अलग कंट्रीज में हुई है, और फिल्म के एक्शन सीन्स रशिया, ऑस्ट्रिया और फिल्म का क्लाइमैक्स दिल्ली में शूट किया गया है, जिसमें हमें इमरान हाशमी, सलमान खान, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और कैटरीना कैफ नजर आने वाले हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्शन कितना ज्यादा होगा, इसीलिए फिल्म का टाइटल टाइगर इज रेडी टू रोर रखा जा सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या हो सकता है फिल्म का टाइटल या उसकी टैगलाइन, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर कि कहां फिर से आमना सामना होने वाला है ऐश्वर्या और सलमान खान का। तो बात ऐसी है कि COVID-19 की वजह से 2 साल की खामोशी के बाद IIFA अवार्ड्स होने जा रहा है। इस बार IIFA अवार्ड की खासियत ये है कि ये अवार्ड्स अबू धाबी में होने जा रहा है, और इसके लिए स्टार्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर दो लोगों पर बनी हुई है, वो है सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं कि एक बार फिर से क्या सलमान और ऐश्वर्या राय का आमना सामना हो सकता है। हाल ही में करण जौहर की पार्टी में भी ये दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन हर बार इन दोनों की मुलाकात ऑकवर्ड की होती है और ये दोनों एक दूसरे के सामने आने से बचते हैं। लेकिन इस बार IIFA अवार्ड में क्या होगा? क्या इस बार भी ये दोनों एक दूसरे से टकरा कर निकल जाएंगे, या फिर दोनों का आमना सामना हो जाएगा? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि अबू धाबी जाने वाली पहली लिस्ट में बच्चन परिवार का नाम सामने आया है। खबरें हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन दोनों एक साथ अवार्ड शो अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन बच्चन फैमिली से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर दिख गए सलमान खान। सलमान खान 1 जून को फ्लाइट पकड़कर अबू धाबी पहुंच चुके हैं। सलमान खान के अलावा नोरा, अनन्या, टाइगर भी 1 जून को एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, जो इस बार IIFA अवार्ड में काफी धमाल होने वाली है, क्योंकि स्टार्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी इस अवार्ड को काफी मिस किया है। इस बार IIFA अवार्ड्स में बड़े बड़े स्टार्स की स्टेज परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, और कई सारे यादगार मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में हमें कैसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या IIFA अवार्ड्स में इन दोनों का आमना सामना होगा या नहीं, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।